हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनामिका. अ वेरी वार्म वेलकम टू एना फॉर इंग्लिश, अ प्लेटफॉर्म वेयर वी प्रिपेयर टू परफॉर्म. दोस्तों, अपने इस नाउन के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और टाइप्स ऑफ नाउन्स. सबसे पहले अगर हम बात करें तो अब हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन. ये कलेक्टिव नाउन क्या चीज है? जैसा कि आपको नाम से लगता है, कलेक्शन है किसी चीज का. कलेक्टिव नाउन इज अ कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन्स. बहुत सारे कॉमन नाउन्स के कलेक्शन को हम बोल देते हैं कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन कौन कौन सी हो सकती है? कलेक्टिव नाउन कलेक्शन हो सकता है पर्संस का, थिंग्स का, एनिमल्स एंड बर्ड्स. इन सबके कलेक्शन को हम बोल देते हैं कलेक्टिव नाउन, राइट? कलेक्टिव नाउन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, कौन कौन सी इनकी खासियत है, क्या क्या इनके फीचर्स है? तो सबसे पहली चीज, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनाई जा सकती है. जैसे कि मैं अगर ऐसा बोलूं, फैमिली फैमिलीज कलेक्शन है कॉमन नाउन का. और अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, पर्संस की बात करूं, तो मैं बोल सकती हूं मेंबर्स, फैमिली में मेंबर्स रहते हैं, और फैमिलीज बोल सकते हैं, राइट? इसके अलावा दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो हम यहां पर आर्टिकल और डिटरमिनर्स दोनों ही काम में ले सकते हैं. वी कैन यूज आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स. हम इन्हीं दोनों चीजों को काम में ले सकते हैं, राइट? जैसे मैं इसे सिंगुलर प्लूरल बना सकती हूं, तो मैं बोल सकती हूं वन फैमिली, टू फैमिलीज, फाइव फैमिलीज, मैनी फैमिलीज, सम फैमिलीज, अ फैमिली, बोल सकते हैं ना, एन ऑर्गेनाइजेशन हम काम में ले सकते हैं. और हम इसको सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं तो ये काउंट करने जैसी नाउन है. इट इज काउंटेबल. कोई चीज अगर सिंगुलर से प्लूरल बनती है तो ये क्या हो जाती है? काउंटेबल हो जाती है. जब आप किसी को 2, 3, 5, 10, 100 तक, बहुत सारे नंबर तक बोल सकते हो, तो वो चीज क्या हो जाती है? काउंटेबल हो जाती है, राइट? तो ये क्या थे? ये होते हैं कलेक्टिव नाउन. अब हम एक बार के लिए डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स. जैसे कि अगर मैं बात करूं पर्संस में मैं क्या बोल सकती हूँ? काउंसिल या फिर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स. तो जो काउंसिल बोला वर्ड मैंने या कैबिनेट वर्ड मैंने बोला, वो तो हो गया कलेक्टिव नाउन. अब वो किससे मिलके बना है? मिनिस्टर से मिलके बना है. मिनिस्टर क्या है? मिनिस्टर इज अ कॉमन नाउन. या फिर मैं अगर आपको ऐसे बोलूं, क्रू ऑफ सेलर्स, जो नाविक होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, उनके ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? क्रू बोल देते हैं. मैं बोल सकती हूँ बेंच ऑफ जजेस. जजेस अगर 3, 5, 6, ऐसे हम ज्यूरी भी बोलते हैं ना, तो अगर हम 3 या 5 या 6 जितने भी नंबर ऑफ जजेस हैं उनके पूरे कलेक्शन को बोल सकते हैं बेंच ऑफ जजेस. और हम बोल सकते हैं ट्राइब ऑफ नेटिव्स. नेटिव्स कौन होते हैं? नेटिव्स इज अ कॉमन नाउन. नेटिव्स का मतलब होता है किसी एक जगह विशेष पर रहने वाले लोग, जिसे हम कहते हैं नेटिव पीपल, जो लोग वहीं पे पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं, पुश्तैनी लोग, बहुत सालों से वहीं रहने आ रहे हैं, तो हम बोल देते हैं उसे ट्राइब ऑफ नेटिव्स. ऐसे ही मैं अगर और बोलूं तो मैं बोल सकती हूँ क्वायर ऑफ सिंगर्स. क्वायर ऑफ सिंगर्स मैं यहां लिख देती हूँ CHIOR. और इसे हम प्रोनाउंस क्या करेंगे? क्वायर ऑफ सिंगर्स. फोनेटिक्स नहीं दे रही मैं अभी आपको, लिख के समझाती हूँ हम इसे प्रोनाउंस करेंगे क्वायर ऑफ सिंगर्स. या फिर मैं सिंगर्स के लिए भी और एक टर्म काम में ले सकती हूँ, दैट इज ट्रूप ऑफ सिंगर्स, TROUP. मैं बोल सकती हूँ यहां पर ट्रूप ऑफ सिंगर्स. एग्जैक्टली सही आपके दिमाग में आया है. ट्रूप ऑफ सोल्जर्स भी हम बोलते हैं, लेकिन उस ट्रूप की स्पेलिंग होती है TROOP. तो आप कलेक्टिव नाउन में ट्रूप ऑफ सोल्जर्स भी बोल सकते हो. इसके बाद अगर मैं बात करूं कि थिंग्स में कौन कौन से कलेक्टिव नाउन्स बन सकती हैं, तो हम बोल देते हैं ना बंच ऑफ कीज, पाइल ऑफ बुक्स, ऐसा हम बोल देते हैं. या हम बोल सकते हैं एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स हम बोल सकते हैं, फ्लीट ऑफ कार्स हम बोलते हैं, एग्जैक्टली फ्लीट ऑफ शिप्स भी हम बोलते हैं, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं क्लस्टर ऑफ स्टार्स, बहुत बारी हम काम में लेते हैं. अब अगर मैं एनिमल्स या बर्ड्स की अगर बात करूं, तो एनिमल्स और बर्ड्स में आप बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल
ब्रूड ऑफ चिकन्स, छोटे छोटे बच्चे, ब्रूड ऑफ चिकन्स हम बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं प्राइड ऑफ लायन, या फिर हम बोल सकते हैं प्राइड ऑफ पिकॉक्स हम बोल सकते हैं, बीवी ऑफ स्वैम्स बोल सकते हैं, BEVY, बीवी ऑफ स्वैम्स हम यहाँ बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और डिस्कस करें तो आप बोल सकते हैं पैक ऑफ वोल्व्स आप बोल सकते हैं, है ना। और बहुत सारी फिश अगर है उनके झुंड, जैसे फिश झुंड में घूमती हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं शोल ऑफ फिश। दोस्तों ये जो बीवी है ना, इसे आप पर्सन्स के लिए भी काम में ले सकते हो। दिस बीवी वर्ड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पर्सन्स यानी ह्यूमंस के लिए। जब भी कहीं पे आप बोलते हो, अगर देखते हो ग्रुप ऑफ ब्यूटीज, बहुत खूबसूरत लड़कियों का ग्रुप, और मेरी नजर में हर लड़की खूबसूरत होती है, तो लड़कियों के ग्रुप को भी हम बोल देते हैं बीवी ऑफ गर्ल्स। तो आप ये और चीज ध्यान रखिए कि बीवी जो है वो स्वैम्स, क्योंकि ये भी ब्यूटी के प्रतीक है, लव के सिंबल्स हैं, और बीवी ऑफ ब्यूटीज ऐसा भी हम बोल देते हैं, या फिर एक और हम बोल सकते हैं बीवी ऑफ गर्ल्स, दोनों चीजें हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने अभी कलेक्टिव नाउन के लिए देखी। पहली चीज पे अगर मैं फोकस करूं तो ये सिंगुलर से प्लूरल बनाई जा सकती हैं। आई कैन से वन फैमिली, टू फैमिलीज, फाइव फैमिलीज, वन सोसाइटी, फाइव कमिटीज, थ्री ऑर्गेनाइजेशंस, टेन इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं। वी कैन से आई हैव सेवरल एल्बम्स ऑफ फोटोग्राफ्स बोल सकते हैं। सेवरल मतलब बहुत सारे हैं, दो तीन पांच नहीं, कम से कम 20-25 एल्बम्स हैं, तो हम बोल सकते हैं। फिर दूसरी चीज, यू कैन यूज आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स विद देम। आप बोल सकते हो एन एल्बम, अ फैमिली, बिल्कुल आप बोल सकते हो, और द फैमिली हु लिव्स बिहाइंड माय हाउस, एग्जैक्टली कॉमन वॉल वाले जस्ट पीछे वाले जो है द फैमिली आप बोल सकते हो। डिटर्मिनर्स काम में ले सकते हो, मैनी फैमिलीज आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन बोल सकते हैं, मैनी पीपल बोल सकते हैं, राइट। काउंटेबल होते हैं, ये काउंटेबल होते हैं, इसीलिए हम इनको 2, 3, 5, 10 बहुत सारे नंबर्स हम दे सकते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट कलेक्टिव नाउन। सो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं हम मटेरियल नाउन को। मटेरियल नाउन क्या है? जैसा कि मटेरियल नाउन नाम से आपको लगता है कि कुछ मटेरियल होगा, है ना। अब अगर कोई चीज मटेरियल है, यानी कि कोई चीज इंग्रेडिएंट है, और जो सारी मटेरियल नाउन होती हैं, उनका अपना कोई फाइनल शेप और साइज नहीं होता, उनकी फाइनल कोई पिक्चर नहीं होती है, फाइनल कोई इमेज नहीं बनती है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं आपसे, अगर गेट मी सम गोल्ड, मैं आपसे कहूं मेरे हाथ में मुझे गोल्ड चाहिए, तो आप गोल्ड ला के दे सकते हो, नहीं ला के दे सकते ना। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो सब के सब कॉमन नाउन है। आपके दिमाग में आ रहा है गोल्ड की रिंग, तो वो कॉमन नाउन है। गोल्ड की चेन, तो वो चेन कॉमन नाउन है। आपके दिमाग में आ रहा है इयर रिंग्स, तो इयर रिंग्स कॉमन नाउन है। आपके दिमाग में आ रहा है बैंगल्स, तो वो कॉमन नाउन है बैंगल, राइट। खाली गोल्ड, कुछ भी सोचो, खाली गोल्ड आप मेरे हाथ में रख सकते हो? नहीं रख सकते। चलो आपके दिमाग में आता है एक, मैं गोल्ड का बिस्किट दे देती हूँ मैम को, गोल्ड का बिस्किट। तो जो आपने बिस्किट वर्ड बोला ना, मेरे हाथ में क्या है? इट्स अ बिस्किट ऑफ गोल्ड। बिस्किट इज इटसेल्फ अ कॉमन नाउन। गोल्ड की ब्रिक रख दो, ब्रिक इज अ कॉमन नाउन। आप तो कुछ भी नहीं रख रहे मैम, एज इट इज उठा के आपने गोल्ड का ओर रख दिया, ओ आर ई, ओर इज अ कॉमन नाउन। खाली गोल्ड आप नहीं सोच सकते। अनदर एग्जाम्पल, थिंक ऑफ वुड। वुड क्या है? वुड इटसेल्फ इज अ मटेरियल नाउन। तो जब भी हम कभी मटेरियल नाउन की बात करते हैं, तो मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन की अपने कोई फिक्स फाइनल शेप एंड साइज नहीं होती है। मटेरियल नाउन को अपनी फाइनल शेप साइज फॉर्म के लिए किसी ना किसी कॉमन नाउन को में ढलना ही पड़ेगा। किसी ना किसी कॉमन नाउन की शेप साइज वो लेते ही लेते हैं। आप कभी बिना किसी कॉमन नाउन के किसी मटेरियल नाउन को इमेजिन नहीं कर सकते, राइट। मटेरियल नाउन में क्या क्या आ जाते हैं? मटेरियल नाउन में आ जाते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सारी की सारी चीजें मटेरियल नाउन के अंदर आ जाती हैं। सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो हम बोल देते हैं शुगर है, कॉफी है, वुड है, आयरन है, गोल्ड है, प्लास्टिक है, ये सब चीजें क्या है? सॉलिड में आ जाती है। लिक्विड में क्या आ जाता है? मिल्क आ जाता है, ऑयल आ जाता है, वाटर आ जाता है, ठीक है ना, पेंट आ जाता है,
तो ये सब चीजें क्या है, पेट्रोल आ जाता है। आप कभी दुकान पे जाके बोलते हो क्या कि मुझे 5 लीटर पेट्रोल चाहिए, मुझे 5 पेट्रोल चाहिए? वी नेवर से दिस। व्हाई? बिकॉज मटेरियल नाउन को हम गिनते नहीं है, इनकी प्रॉपर्टीज को हम अभी डिस्कस करेंगे। गैस में अगर हम बात करें तो जितने भी एनवायरमेंट में गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब चीजें कैसी है, गैसियस फॉर्म में है। तो मटेरियल नाउन कैसा हो गया? मटेरियल नाउन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होता है। हम प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो पहली चीज अनकाउंटेबल है, क्या आप कभी गिन सकते हो? किसी भी चीज को एग्जाम्पल के लिए समझे, अगर हम वुड को, वुड गिन सकते हो? यू कैन काउंट पीसेस ऑफ वुड, यू कैन काउंट लॉग्स ऑफ वुड, यू कैन काउंट प्लैंक्स ऑफ वुड, वुड नहीं गिन सकते। गोल्ड को गिन सकते हो? गोल्ड से बने हुए आइटम्स को आप गिन सकते हो, गोल्ड को नहीं गिन सकते। आप सोच के देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी हमने एग्जाम्पल्स दिए थे, दे आर ऑलवेज अनकाउंटेबल। जो चीज अनकाउंटेबल है वो कभी भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनती, सिंगुलर टू प्लूरल आप उन्हें नहीं बना पाते। ये सिंगुलर है, सिंगुलर ही रहेंगे, ये प्लूरल नहीं बन सकते, वी कैन नॉट यूज देम इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तीसरी जो इनका फीचर या इनकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि आप कोई भी आर्टिकल या डिटर्मिनर काम में नहीं लेते। अ गोल्ड बोलते हो क्या? अ वुड बोलते हो क्या? नहीं बोलते ना। कुछ एग्जाम्पल है जहां पर हम आर्टिकल द काम में लेंगे, वो हम लेटर ऑन जब रूल्स पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में तब उसे डिस्कस करेंगे, बट अभी बेसिक बेसिक समझे, एक्सेप्शंस पे ना जाएं। तो क्या होगा, आर्टिकल और डिटरमिनर भी हम यहाँ पे काम में नहीं लेते हैं। अब एक चीज अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा राइस इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, पहली चीज। दूसरी चीज अगर मैं यहां पर लिखती हूं आई ईट राइस एवरीडे, I eat rice every day. और तीसरा example अगर मैं यहां पर लिखूं I eat basmati rice. ये तीन examples हो गए। अब इन तीन examples को एक बार अच्छे से समझते हैं और यहां से आपको noun की प्रीवियस जो टाइप्स हम पढ़ चुके हैं वो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। सो इन तीनों स्टेटमेंट्स में सबसे कॉमन क्या चीज है? व्हाट इज कॉमन इन दीज थ्री स्टेटमेंट्स? एग्जैक्टली यहां पर आपको दिखता है राइस। राइस जो है वो तीनों सेंटेंसेस में कॉमन वर्ड है। अब अगर मैं पहले सेंटेंस को पढ़ती हूं, राइस इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, तो यहां पर जो राइस है ये इस पर्टिकुलर सेंटेंस में काम किसका कर रहा है? यहां पर ये काम कर रहा है कॉमन नाउन का। भाई हो सकता है कि वेस्ट बंगाल में और भी बहुत सारे ग्रेन्स उगाते हो, कोई पल्सेस भी उगाते होंगे, जूट भी उगाते हैं वहां पर, तो हम बोल सकते हैं ना जूट, राइस और बाकी अदर कोई भी सेडल्स, तो हमने बोल दिया उनमें से कोई एक है राइस, तो यहां पर ये काम कर रहा है कॉमन नाउन का। ओके, अब मैंने सेंटेंस लिखा आई ईट राइस एवरी डे, तो मटेरियल नाउन में जो भी हम सारी चीजें खाने पीने की भी लिखते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर जो मैंने लिखा है ना सॉलिड, यहां पर वो सारी चीजें जो हम ईट या ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक वाली चीजें लिक्विड में आ जाएंगी और ईट वाली चीजें सॉलिड में आ जाएंगी, तो ईट एंड ड्रिंक वाली चीजें भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, राइट? तो अब जो भी चीज मैं खा रही हूं दैट इज अ मटेरियल नाउन, राइट? एप्पल नहीं होगा, बनाना नहीं होगा, वो कॉमन नाउन में आ जाते हैं। लाइक कैसे हो गया, राइस हो गया, ओके? मैंने बोला शुगर, कोई भी ग्रेन की अगर आप बात कर लेते हो, कोई भी मैंने पल्सेस का नाम ले लिया, उन सारी चीजों की बात कर रहे हैं। चपाती नहीं बोलेंगे यहां पर, वो चीजें जिन्हें आप गिन नहीं सकते, राइस को नहीं गिन सकते ना, तो राइस इज अ मटेरियल नाउन ही। तो यहां पर जब मैंने बोला आई ईट राइस एवरी डे, तो ये क्या बन गया है, यहां पर ये बन गया है मटेरियल नाउन, ओके? अब मैंने बोला आई ईट बासमती राइस, तो जो मैंने यहां पूरा नाम लिख दिया एक बासमती राइस का,
ये पूरा नाम, क्योंकि अब ये कॉमन नाउन की आइडेंटिटी बता रहा है, उसकी एक यूनिक फीचर बता रहा है। जैसे गर्ल, गर्ल का कोई नाम मैं अगर बोल दूं तो वो उसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर बासमती राइस क्या बन गया है, बासमती राइस यहाँ पर बन गया है प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर बासमती राइस क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो कैसे एक ही वर्ड अलग अलग सेंटेंस में आके अलग अलग नाउन का काम करते हैं। कभी वही राइस एक सेंटेंस में कॉमन नाउन बन गया, कभी वही नाउन एक सेंटेंस में मटेरियल नाउन का काम कर रहा है, और फिर वही राइस जब उसका नाम मैंने बता दिया तो वो काम कर रहा है बासमती राइस यानी कि प्रॉपर नाउन का। तो हियर इज एन एग्जांपल। अब हर मटेरियल नाउन को हम नहीं कह सकते कि वो अनकाउंटेबल है या उसका प्लुरल फॉर्म काम में नहीं आता। छोटा सा एग्जाम्पल फिर से हम ले लेते हैं। मैं क्या बोलती हूँ, व्हीट, व्हीट अनकाउंटेबल है। देखो फिर से लिख के देखते हैं एक एग्जाम्पल। हम अब की बार मैं लिखती हूँ व्हीट, क्या आप बोलते हो कभी व्हीट्स? नहीं बोलते ना। तो व्हीट वो नाउन है, वो मटेरियल नाउन है जो हमेशा कैसी रहती है, अपने आप में सिंगुलर रहती है। व्हीट कैसी मटेरियल नाउन है जो अपने आप में हमेशा कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। बट वहीं आप अगर एग्जाम्पल के लिए लेते हो ओट्स, तो आप कभी ओट बोलते हो क्या? आई टेक ओट इन माई ब्रेकफास्ट, आप क्या बोलते हो? आई टेक ओट्स इन माई ब्रेकफास्ट। तो ये भी एक तरह की मटेरियल नाउन है, ये भी एक तरह की सॉलिड चीज है जिसे हम ईटिंग यानी खाने के काम में ले रहे हैं। तो वहां पर हमने क्या देखा कि कुछ 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 छोटे छोटे एग्जाम्पल या एक्सेप्शंस एक्चुअली सब जगह मिलते हैं। व्हीट भी एक मटेरियल नाउन है विच इज ऑलवेज यूज्ड इन इट्स सिंगुलर फॉर्म। ओट्स भी एक एग्जाम्पल है, मटेरियल नाउन का ही एग्जाम्पल है, खाने पीने की ही चीज है, विच इज ऑलवेज यूज्ड इन इट्स प्लूरल फॉर्म, राइट। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, इन्हें हम आगे आने वाले सीरीज में और अच्छे से डिस्कस करते चले जाएंगे। अब हम अगला डिस्कस करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? अगर मैं समझूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो आपको याद होगा बहुत पहले कभी जब हमने स्कूल में ग्रामर पढ़ी थी तो हमने हिंदी में पढ़ा है भाववाचक संज्ञा। भाव, भाव क्या है? जो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या एक्सप्रेस करती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्रेस करती है हमारी फीलिंग्स को, इमोशंस को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्रेस करती है हमारे स्टेट ऑफ माइंड को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और क्या एक्सप्रेस करती है? ये आइडिया को एक्सप्रेस करती है। इसके अलावा ये एक्सप्रेस करती है किसी क्वालिटी को। ये सारे काम एब्स्ट्रैक्ट नाउन करती है, राइट। अब अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, तो मैं बोल सकती हूं जैसे क्वालिटी में अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो स्वीटनेस, सार, स्वीट एंड सार, ये सब क्या है? क्वालिटीज हो गई ना। तो जब मैं उसको बोलूंगी स्वीट, तब तक तो वो बन जाएगा क्या? एडजेक्टिव। और अभी हम एडजेक्टिव नहीं पढ़ रहे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? नाउन पढ़ रहे हैं। तो स्वीट से नाउन क्या बना दूंगी मैं? स्वीटनेस, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं क्या बना दिया? स्वीटनेस। तो यहां पर क्वालिटी के अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको बोल सकती हूं स्वीटनेस, ओके। इमोशंस और फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं, इमोशंस, लव, हेट, एंगर, ठीक है, ये सब क्या है? इमोशंस है, फीलिंग्स है। स्टेट ऑफ माइंड की अगर मैं बात करूं तो स्टेट ऑफ माइंड मैं बोल सकती हूं जैसे कि टेंस्ड, रिलैक्स्ड, ये क्या है? मेरा स्टेट ऑफ माइंड है ना, राइट। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, ओके। जो भी सारी चीजें एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लेके आपके दिमाग में आई है, वो सारे आइडियाज को, उन सारे स्टेट ऑफ माइंड्स को हम बोल देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनकी क्या क्या फीचर्स होते हैं? पहली चीज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल है। आप इसे गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर मैं एक आपको आइडिया देती हूं, ऑनेस्टी, है ना, ये क्वालिटी भी है, राइट, आइडिया भी है। क्या आप बोलते हो वन ऑनेस्टी, टू ऑनेस्टी, फाइव ऑनेस्टी? नहीं बोलते ना। तो आप इसे गिन नहीं सकते,
दूसरी चीज, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं, आप इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते, ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे, इनका आप प्लूरल कभी नहीं बना सकते। ऑनेस्टीज मैं नहीं बोल सकती, लव्स मैं नहीं बोल सकती, स्वीटनेसेस मैं नहीं बोल सकती, एंगर्स मैं नहीं बोल सकती। तीसरी चीज अगर मैं आपको समझाऊं तो यहां पर आएगा कि हम इनके साथ में आर्टिकल या डिटर्मिनर्स भी काम में नहीं लेते हैं। आप आर्टिकल डिटर्मिनर दोनों ही काम में नहीं लोगे, आप नहीं बोल सकते एन ऑनेस्टी, है ना, एन ऑनेस्टी राइट, आप नहीं बोलते, आप नहीं बोल सकते द ऑनेस्टी राइट एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि मैम कभी कभी सुना तो है द ऑनेस्टी, वो एक्सेप्शन है, वो हम नेक्स्ट सीरीज में जब आने वाली सीरीज होंगी तब उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कभी कभी इनके साथ आर्टिकल काम में ले सकते हैं, बट वो कैसे होते हैं, वो होते हैं एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस ओनली, नॉट इन जनरल यूजेज। जनरल यूजेज में हम काम में नहीं लेते हैं, हम इन चीजों को सिर्फ एक्सेप्शन में ही काम में लेते हैं। तो अभी एक चीज क्लियर है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या देते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर ही रहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल नहीं बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल डिटर्मिनर्स काम में नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पांचों टाइप्स ऑफ नाउन्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार के लिए हम मगअप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक की बात करता है, कॉन्क्रीट की बात करता है, अनकाउंटेबल होता है, डिटर्मिनर काम में नहीं लेते, आर्टिकल द केवल काम में आता है अगर वो प्लेस या फिर थिंग के लिए काम में आ रहा हो। दूसरी चीज, अब उसे सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं। फिर आपने कॉमन नाउन काम में लिया था, विच आर काउंटेबल, विच कैन बी प्लूरलाइज्ड बोल सकते हैं उन्हें। इसके बाद में हम बात करते हैं अगर कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन के साथ भी आप आर्टिकल काम में ले सकते हो, प्लूरल बना सकते हो। इसके बाद में मटेरियल नाउन, विच इज अनकाउंटेबल एंड विच इज ऑलवेज सिंगुलर, कभी भी आप उसको प्लूरल नहीं बना सकते हो, आर्टिकल्स नहीं दे सकते हो। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में भी आप कभी भी प्लूरल नहीं बनाते क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं, आर्टिकल्स काम में नहीं लेते। नेक्स्ट डे जब हम मिलेंगे आने वाली सीरीज में, हम डिस्कस करेंगे इनके आगे की चीजें, फर्दर नाउन की और क्या क्या डिविजन्स होती हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो हमारी गाड़ी फर्स्ट गियर में चल रही है, लेट इट गेट इनटू सेकंड और थर्ड गियर राइट। दोस्तों बने रहिए आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है एना फॉर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश की विटामिन ई वाली डेली डोज लेना बहुत जरूरी है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम इस पूरी चीज को कवर जरूर करेंगे। और डेफिनेटली ग्रामर का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा, ऐसा सेक्शन नहीं होगा जिसे हम अनटच छोड़ दें राइट। तो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल और साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे हिट करें और उस पर ऑल को क्लिक कर दें, सो दैट सारे के सारे नोटिफिकेशन जब भी मैं कभी अपलोड करूंगी वीडियो आपके पास सबसे पहले आएंगी। Stay tuned, have a nice time. और एक important बात, इस क्वारंटीन में please, please, please अपने घर पे रहें, be safe, stay at your home and stay safe. Thank you, have a nice time.